इस्लामिक इन्वेडर्स अपने साथ बिरयानी लेके आए थे कि नहीं आए थे, इसके बारे में मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा इस्लामिक इन्वेडर्स अपने साथ जो एक परंपरा लेके आए थे, वो क्या थी परंपरा, वो क्या थी प्रथा। वो परंपरा थी हारे हुए लोगों को गुलाम बनाने की। जी हाँ, गुलाम बनाकर उनको कमोडिटी की तरह स्लेव मार्केट में बेचने की। तो जब ये भारत में आए तो यहाँ पे इन्होंने हिंदुओं को गुलाम बनाना शुरू किया, और उन गुलाम बनाए हिंदुओं को सेंट्रल एशिया की स्लेव मार्केट्स में बेचने के लिए ले जाया करते थे। रास्ते में अफगानिस्तान पड़ता था, जहाँ पे ऊपर सियाना नाम से एक पर्वतों की श्रृंखला पड़ती थी। ये जो इन्वेडर्स थे, ये हिंदुओं का इतना मिसट्रीटमेंट करते थे, इनके साथ इतना क्रूअल व्यवहार करते थे, इतनी अमानवीय उनको वेदनाएं देते थे कि अधिकतर हिंदू गुलाम उन पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते करते ही मर जाया करते थे। हिंदुओं के मरने का सिलसिला इतना लंबा चला और हिंदू इतने ज़्यादा मरे कि वो ऊपर से ना पर्वत का नाम ही हिंदू कुश पड़ गया, यानी कि हिंदू हत्यारा पड़ गया। जी हाँ, हिंदू कुश का अर्थ होता है हिंदू स्लॉटर या हिंदू किलर या हिंदू हत्यारा। अब ये जो बात है, ये इब्न बतूता ने अपनी किताब में लिखी, और कोई माइकल लाल वामपंथी अपने किसी डिस्टोरियन अब्बा से चाहे तो पूछ ले, वो इस तथ्य को नहीं झूठला सकता। और इब्न बतूता ने भी ये जो बात है किसी पश्चाताप में नहीं लिखी थी, बल्कि आज भी आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो इस बात को बड़े गर्व से कैमरे पर एक्सेप्ट करते हुए, एडमिट करते हुए, बताते हुए मिल जाएंगे। इसी हिंदू कुश पर्वत के पास तैमूर ने एक ही रात में 1,00,000 हिंदुओं को कटवा दिया था। और सोचिए, 1,00,000 हिंदुओं को एक ही रात में कटवाने वाले क्रूर कर्मा हत्यारे तैमूर के नाम पे इस देश में एक अभिनेत्री अपने बेटे का नाम रख देती है। और जब हिंदू वेदना से प्रश्न पूछते हैं तो उन्हीं बेचारे हिंदुओं को संघी, हिंदुत्ववादी, हेट मोंगर, नफरत फैलाने वाला, न जाने क्या क्या कहकर रिडिक्यूल किया जाता है। यही नहीं, स्वतंत्र भारत के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एमिनेंट हिस्टोरियन, मतलब जो सही मायने में जिनको एमिनेंट कह सकते हैं, प्रोफेसर के एस लाल अपनी किताब में लिखते हैं कि महमूद गजनी के आक्रमण 1000 एडी से लेकर पानीपत के युद्ध से एक वर्ष पूर्व यानी 1525 तक में भारत के अंदर जो हिंदू आबादी है वो 80 मिलियन घट गई, यानी इन 525 सालों में 8 करोड़ हिंदू मर गए, खत्म हो गए। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो हर साल 1,52,381 के करीब हिंदू हर साल मरे हैं, और ये सिलसिला 525 सालों तक चला है। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाइड करूँ ना, तो पर डे 417 हिंदू मरे हैं, और कितने दिनों तक, तो 191,625 दिन तक 417 हिंदू पर डे मरे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसके बाद मुगलों के टाइम पे भी लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ हिंदू मरे हैं, टोटल हो जाता है 10 करोड़ हिंदू। तो इन मतलब जो इन्वेडर्स थे, इस्लामिक इन्वेडर्स, इन्हीं के कालखंड में समाप्त हो गए। आप बताइए, ये तथ्य, ये फैक्ट, ये आंकड़ा हमारी कौन सी स्कूल की किताबों में पढ़ाया, हमें कब कॉलेज की किताबों में ये सच जानने को मिला। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, सोशलिस्ट हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को मारा था, उनका नरसंहार किया था, पूरी दुनिया इसे ज्यूज जेनोसाइड नाम से याद रखती है। आप देखिए, पूरे वेस्ट ने, पूरी दुनिया ने इसको कैसे याद रख रखा है, सहेज के रख रखा है। जेनोसाइड मेमोरियल बने, फिल्में बनी, किताबें लिखी गई, लेख लिखे गए, रिसर्च पेपर छपे। इनफैक्ट इस जेनोसाइड को नकारना ही एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। और वहाँ की जो फिल्में बनी उसमें हिटलर को बड़ा प्रेमी, परिस्थितियों द्वारा मजबूर, ऐसा गुड नहीं दिखाया जाता। ना ही आपको वहाँ पे कोई ऐसा भी मिलेगा जो हिटलर की ऐसा मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट बड़ी बड़ाई करता हुआ मिले। परंतु भारत में आप किसी भी इन्वेडर का नाम तो बोलिए साहब, मैं आपको दिल्ली में ही उसके नाम पे सड़क दिखा दूंगा। और इसी देश में उनके मकबरों को हमने राष्ट्रीय धरोहर बना के रख रखा है। पूरी दुनिया में, पूरी मानवता के इतिहास में, मतलब कलेक्टिव शेम को इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखने का जो मेडल है ना यार, एक वो अगर कुछ ओलंपिक में ऐसा खेल है तो वो हम हिंदुओं को भी मिल ही जाना चाहिए। विल डुरंट नाम के एक इतिहासकार हुए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोबेबली द ब्लडीएस्ट स्टोरी इन हिस्ट्री। यानी देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो, जो ये इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत में किया उसको, मतलब होता है ना, वो एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए कोई शायद किसी भी डिक्शनरी में ऑक्सफर्ड की हो या हार्वर्ड की हो या जहाँ की भी हो, मरियम वेबस्टर की हो, कोई शब्द ही नहीं बना है। परंतु आप बताइए इसके बारे में, क्या आप जानते थे, क्या हमें हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था? अगर हम इस ब्रूटैलिटी का सिर्फ चर्चा कर दें ना, इसका जिक्र कर दें, तो देखिए हमको जितने एडजेक्टिव्स चलते हैं ना,
वो सब दे दिए जाएंगे। इनफैक्ट हम ही को नाजी हिटलरवादी भी कह दिया जाएगा। आपको पता है दिल्ली में हिंदुओं का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर कौन सा है? जी वो है बिरला मंदिर। अब आप सोचेंगे यार बिरला मंदिर तो 1936 में बना था, ये इतना पुराना मंदिर कैसे हो गया, इससे पुराने मंदिर क्यों नहीं है? मैं खुद भी सोचा करता था कि जैसे जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं इतने भव्य, इतने विशाल का, इतने मैग्निफिशेंट, मतलब डिविनिटी है जो भी कह लीजिए, उनको देख के ही एक अलग फील आता है, एक प्राइड फील होता है, एक गर्व होता है कि हाँ हमारे पुरखे भी कुछ थे। वैसे मंदिर हमको नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे भी हिंदू रहते थे। फिर जब मैंने पढ़ा, जब मैंने खोजा, तो मुझे पता लगा कि अरे बेटा दिखेंगे कैसे, हिंदू मंदिर बनाना ही अलाउड नहीं था, इट वॉज प्रोहिबिटेड बाय स्टेट। मतलब स्टेट का ऑर्डर था कि भैया कोई भी हिंदू मंदिर बनेगा ही नहीं, और जो बने हुए हिंदू मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? वही जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने टाइम पे बिरयानी बाई किलो से बिरयानी लेके भारत में आए थे, या जिन्होंने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से भारत को ग्रेट बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया था। दिल्ली में बने कुतुब मीनार को ही देख लीजिए, सबको पता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बना था। जब आप उस परिसर में जाएंगे, उस कुतुब मीनार वाले कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो आपको मंदिरों के अवशेष और टूटी मूर्तियां आपको अपने पर धिक्कारते हुए, आपके पुरुषार्थ को ललकारते हुए, आपकी जवानी पर, आपके बल पर, आपके यौवन पर कटाक्ष भरी निगाहों से देखते हुए मिलेंगे कि देखो हिंदुओं तुम्हारे रहते हमारी क्या स्थिति है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, मार्तंड सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर, भोजशाला, हम्पी के मंदिर, रुद्र महालय, मीनाक्षी मंदिर, ऐसे हजारों मंदिरों की लिस्ट है जिनको ना मैं आपको दिन भर वीडियो में गिनवा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और जिनको डिस्ट्रॉय किया था उन्हीं लोगों ने जिनको भारत में बताया जाता है कि आर्ट एंड कल्चर लेके आए थे, ये उसके पैटर्न थे। क्या आप जानते हैं मेरे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को एक टैक्स भरना पड़ता था, उन्होंने भरा है, उस टैक्स का नाम था जजिया। अब ये जजिया टैक्स क्यों भरा जाता था? क्योंकि बाय डेफिनेशन, बाय लॉ, एक जो थियोक्रेटिक स्टेट था इस्लामिक, उसके अंदर जो काफिर थे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी जो थी, वो सब स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी। उनको जब मर्जी एट द मतलब विम्स एंड फैंसीज ऑफ दैट जो बादशाह हुआ करता था, उनको रौंदा जा सकता था, प्लंडर किया जा सकता था, उनकी इज्जत लूटी जा सकती थी, मतलब उनको जैसे मतलब वर्स देन एनिमल ट्रीट किया जा सकता। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पुरखों ने जजिया नाम का एक कर भरा है। आप जानते हैं उस जजिया कर को कैसे वसूला जाता था? जजिया कर वसूलने वाला देने वाले को कालर से पकड़ के झकझोरता था, ऐसे झकझोरता था, और परमिशन भी नहीं थी जिसको झकझोरा जा रहा था कि वो अपनी आंख भी ऊपर उठा ले, या उसको ना मतलब कोई रजिस्ट कर दे या कुछ बोल दे। अब आप सोचेंगे ये मुझे कैसे पता है, तो मेरी नहीं मानोगे पर आप काजी मुगुसुद्दीन हो या मुल्ला अहमद, शेख अहमद सिरहंदी हो या शाह वली उल्ला, ये सब मानते थे कि जो जजिया का जो प्राइमरी गोल था वो था काफिरों को ह्यूमिलिएट करना, और बहुत सारे हिंदू जो हैं इस ह्यूमिलेशन को नहीं सह पाए और वो मनुष्य से मुसलमान हो गए। यही नहीं, जिम्मियों के लिए 10-11 शर्तें भी हुआ करती थी, जो सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहने के लिए मैंडेटरी थी। उनमें से ना कभी मौका लगे तो खोज के पढ़ लीजिएगा कि वो क्या क्या थी। एक मैं बता देता हूँ, जो हिंदू थे ना, जो जिम्मी थे, वो इस्लामिक रूल के दौरान अपने किसी के मरने पर जोर से रो भी नहीं सकते थे। मैं कई बार सोचता था कि यार हम जो हैं, मतलब हमारा जो हिंदू हैं, हम दिन को बड़ा महत्व देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उठने के लिए बहुत लात खाई है पिताजी से, तो मैं सोचता था कि यार जब हम इतना सिग्निफिकेंस सुबह प्रातः की बेला ये सब पे देते हैं, तो हमारे यहाँ शादियाँ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे, ये रात को पंडित जी 2-3 बजे मंत्र पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर आधे लोग सो जाते हैं, आधे लोग खाना खा के पनीर चले जाते हैं, ये रात को क्यों होती है? फिर मैंने कोनराड एल्स की किताब में पढ़ा कि भैया जो ये इस्लामिक इन्वेडर्स थे, जो ये मुस्लिम आक्रांता थे, ये हिंदुओं की बेटियों को उठा के अपने जो हरमों में ले जाते थे, अपनी बेटी को हरम में जाने से बचाने के लिए बापों ने अपनी बेटियों की शादी रात के अंधेरे में चुपचाप करनी शुरू की, इस बात को क्या हम जानते थे? पर जो ये लेफ्टो इस्लामी माफिया है, इसको इस प्रिविलेज की आदत हो गई थी, इन्हें आदत हो गई थी कि हिंदुओं को जैसे मर्जी वैसे हम लतियाएंगे, जैसे मर्जी वैसे ट्रीट करेंगे, और ये हिंदू खबरदार जो कुछ भी बोल गए। परंतु अब क्या हुआ ना, अब हिंदुओं ने उनके इस प्रिविलेज को नो मींस नो कहना शुरू कर दिया। ये जो लेफ्टो इस्लामी माफिया है, ये अपने इस प्रिविलेज को, अपनी इस मोनोपोली को बिना रोक टोक, बिना किसी के हाउ डेयर यू पूछे, पिछले 60-65 सालों से मस्त इंजॉय करता हुआ जा रहा था। आप खुद देख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जितने साधन हो सकते हैं उन सब पर इसी लेफ्टो इस्लामी माफिया का एक छत्र राज था। फिर वो टीवी हो या रेडियो, वो अखबार हो या किताबें, वो स्कूल की किताबें हो या कॉलेज की किताबें, है ना, कोई इनसे सवाल पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि ये उसको सवाल मतलब
सवाल पूछने वाला ही नहीं समझते थे ना, यू पुअर रूरल हंग्री इंडियन, तुम हमसे सवाल पूछेगा, इस माइंडसेट में जी रहे थे ये लोग। फिर अचानक से इंटरनेट नाम का एक अवतार आ गया और हिंदुओं की किस्मत में भगवान जी ने एक नरेंद्र मोदी नाम का पत्ता फेंक दिया। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो हिंदुओं के पास भी आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो खुद को एक्सप्रेस करने लगे, और दूसरा जो मैंने नोटिस किया है कि हिंदुओं के अंदर ना जो पिछले 7-8 सालों में जो उनका सोया हुआ खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो दोबारा वापिस आने लगा है, वो जगने लगा है। अब ऐसा क्यों होने लगा है? क्योंकि भैया भारत तो वो देश था, यहाँ पे तो एक देश का प्रधानमंत्री इस देश के राष्ट्रपति को एक मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना कर देता था कि यार मत जाओ, सेकुलरिज्म बाबू जो है ना वो ऑफेंड हो जाएंगे, वो हर्ट हो जाएगा, वो बुरा मान जाएंगे। उस देश में प्रधानमंत्री की गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति आ जाए बैठ गया है जो अयोध्या में राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसके पूजन में जाता है, और जाता ही नहीं है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। यही नहीं, इस देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री की गद्दी पर वो व्यक्ति बैठता है जो जन्माष्टमी मनाने मथुरा पहुंच जाता है और कुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कराता है। वहीं दूसरी ओर इन पैरासाइट्स की जो स्कॉच थी वो कम हो गई है, इन मिशनरियों को मिलने वाला फंड जो है वो घटने लगा है, इन भाईजान लोगों की सड़क पर कब्जा करके मॉब रूल के द्वारा अपनी हर बात मनवा लेने वाली जो ये जादुई शक्तियां थी ये सब भी धीरे धीरे घटने लगी हैं। इन डिस्टोरियंस की, इन पैरासाइट्स की, इन वामपंथियों की जो एजुकेशन फील्ड में मोनोपोली थी ना, जो सुप्रीमेसी चलती थी, अब वो ध्वस्त हो रही है, वो टूट रही है। क्योंकि अब तक तो क्या था कि भैया ना खाता ना बही, जो कॉमरेड लाल कह दे वही सही, पर अब बच्चों ने खोज खोज के ओरिजिनल सोर्सेज से फैक्ट्स निकाल निकाल के इन वामपंथी डिस्टोरियंस को भरी क्लास में ही प्रोफेसर बनाना शुरू कर दिया है। अब इन पैरासाइट्स को दुख हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, अथर अली, उमा चक्रवर्ती, आदित्य मुखर्जी जैसे डिस्टोरियंस को ना पढ़ के पीवी काणे, पीवी गोड़े, आनंद कुमार स्वामी, जदुनाथ सरकार, एम हिरियन्ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी मजूमदार, समा शास्त्री, देवडू नरसिम्हा शास्त्री, गंगानाथ झा, जीसी पांडे, एस श्रीकांत शास्त्री, राधा कुमुद मुखर्जी, केपी जायसवाल, राम स्वरूप, सीताराम गोयल, धर्मपाल जी, केएस लाल, कोइनरा डेल्स, संदीप बालकृष्णा जैसे स्कॉलर्स को क्यों पढ़ने लगे हैं। अब हुआ क्या है कि 800 सालों तक जिम्मी की तरह रहने वाले हिंदुओं ने, जिनके पूर्वजों को एक पहाड़ के पास इतनी बड़ी संख्या में मार दिया गया, उनका ऐसा नरसंहार हुआ कि उस पहाड़ को ही हिंदू कुश नाम से जाना जाने लगा, यानी हिंदू हत्यारा, हिंदू किलर, हिंदू स्लॉटर नाम से जाने जाने लगा। उन हिंदुओं को जिन्हें अपने भगवान जी के लिए मंदिर बनाने तक का अधिकार नहीं था, उन हिंदुओं ने जिनके लगभग सभी प्रमुख मंदिरों को इन विधर्मियों द्वारा तोड़ा गया, खंडित किया गया, उन हिंदुओं ने जिनकी बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बनाकर हरमों में बलात्कार के लिए रखा गया, उन हिंदुओं ने जिनके पूर्वजों ने जजिया जैसा अमानवीय टैक्स भरा मात्र जीवित रहने के लिए, उन हिंदुओं ने जिनको इस नेहरूवियन सेकुलर सोशलिस्ट व्यवस्था में एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन बनकर रहना पड़ा, उसके लिए मजबूर होना पड़ा, उन हिंदुओं ने इस दास्ता को अब सहने से मना कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। हिंदुओं के इस स्वतंत्रता संघर्ष को और खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करे जाने की जो लड़ाई है, जो आवाज़ है, जो मांग है, उसको इन क्लेफ्टो इस्लामी माफिया वालों ने हिंदुत्व शब्द से विलीफाई करना, डिमोनाइज करना शुरू किया है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 10 से 12 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कायदे से, तो इनको इसका नाम जो था वो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुइज्म रख लेना चाहिए था, क्योंकि इनका जो गोल है, जो इनका एम है, जो एजेंडा है, जो इनके दिल की हसरत है, जो तमन्ना है, वो तो यही है ना भाई, इनको दर्द होता है कि एक तरफ जब दुनिया की सारी नॉन अब्राहमिक सिविलाइजेशन जैसे माया सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब समाप्त हो गई, वहीं जो हिंदू हैं वो बचे हुए हैं, और जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनसे ये सहन नहीं हो रहा है कि 1200 वर्षों के संघर्षों के बाद भी यहाँ पर भारत में मंदिरों में वैदिक ऋचाएँ गूंजती हैं, इनसे ये सहन नहीं होता है कि एक हिंदू महिला अपने आंगन में तुलसी जी को जल चढ़ाती है, इनसे ये सहन नहीं होता है कि एक बच्चा गंगा जी को गंगा मैया कह के उनमें डुबकी लगाता है, इनसे ये सहन नहीं होता है कि भैया आज भी इस देश में गंगा आरती होती है, इनसे ये सहन नहीं होता है कि मियां लॉर्डो के लाख प्रयत्न के बाद भी, लाख अड़ंगे लगाने के बाद भी भारत में हिंदू अपने जो त्यौहार हैं वो मना ले रहे हैं, इसलिए इसको कैसे ख़त्म किया जाए ये बौखलाहट जो है ना उनकी इस कॉन्फ्रेंस के नाम से ही हमको दिखने लगी है। इनसे सहन नहीं हो रहा है कि भाई कैसे हिंदू राम और कृष्ण पर गर्व करते हैं, इनसे हिंदुओं का अनअपोलोजेटिक होना नहीं सहन हो रहा है, इनसे
हिंदुओं की ये स्वतंत्रता जो है ना वो देखी नहीं जा रही है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आयोजन इसलिए भी हो रहा है कि विदेश में रहने वाले NRI हिंदुओं को ये संदेश दिया जा सके, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले उनके बच्चों को ये कहा जा सके कि ज़्यादा मत उड़ो, ज़्यादा मत उछलो, जैसे अब तक रहते आए हो ना चुपचाप दबके वैसे ही रहो गुलामों की तरह। तुम्हारे लिए आज भी हिस्टोरियन का मतलब वेंडी डोनियर, ऑड्रे ट्रस्की और शेल्डन पोलक जैसे ही हिस्टोरियंस होने चाहिए, पर शायद इन लेफ्टो इस्लामी माफिया वालों को पता नहीं है कि अब हिंदुओं ने ये तय कर लिया है। And you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live. To exist. One voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. और सभी हिंदुओं से ना मैं बस एक ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कहा था कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए ना अत्याचार को कब तक सहोगे, जो अभी तक सह रहे हैं कि भाई उनको हिंदुत्व वाला कह देंगे, उनको हेट मोंगर कह देंगे, उनको कम्युनल कह देंगे, छोड़ो इनको, उतार फेंको इनको और स्वतंत्र होना तो स्वतंत्र की तरह जीना सीखो। और हिंदुत्व को विलिफाई करने वाले, डिमोनाइज करने वाले, गाली देने वाले, उसके खिलाफ ये कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कराने वाले, उनमें जाने वाले ये जो भी बुद्धि पिशाच हैं वो मुझे ये बतलाएं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाएं काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।